नमस्कार प्रणाम दोस्तों, मैं धनंजय कुमार। आज हम बातचीत करने वाले हैं भोजपुरी की दबंग स्टार खेसारी लाल यादव जी के बारे में, जो कि खेसारी लाल यादव जी का एग्रीमेंट कब खत्म होगा और गाने को लेकर भी आप सभी को बताने वाला हूं इस वीडियो में। हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर भोजपुरी का हर खबर सबसे पहले आता है। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, भोजपुरी की दबंग स्टार खेसारी लाल यादव जी का महीनों में 15-20 गाना आप सभी के बीच आ जाता था, लेकिन अब ऐसा सिचुएशन हो गया है कि जो कि भोजपुरी की दबंग स्टार खेसारी लाल यादव जी का महीने में 2-3 गाना आप सभी के बीच आ रहा है। और वही प्रॉब्लम है, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, भोजपुरी की दबंग स्टार खेसारी लाल यादव जी एग्रीमेंट पेपर पे साइन करके फंस चुके हैं और कई भाई लोगों का कमेंट आ रहा है कि भोजपुरी की दबंग स्टार खेसारी लाल यादव जी का एग्रीमेंट एक्सपायर कब होगा। तो दोस्तों, आप सभी को बताना चाहता हूँ, एग्रीमेंट एक्सपायर होने में अभी साल भर का समय बचा हुआ है, लेकिन ये मामला कोर्ट तक भी पहुँच चुका है। अगर कोर्ट पहले फैसला दे देती है तो ठीक है, नहीं तो एग्रीमेंट के हिसाब से खेसारी लाल यादव जी का एग्रीमेंट एक्सपायर होने वाला है। साल भर का 20 समय है, यानी 2023 के लास्ट में। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सिर्फ 20 लाख का मामला है। तो दोस्तों, आप सभी को बताना चाहता हूँ, 20 लाख का मामला नहीं है, करोड़ों रुपए का मामला है, आप सभी को बताया नहीं जाता है। और किसी तरह से अखिलेश कश्यप का एक इंटरव्यू वायरल हो रहा था, वही वाला सुनकर मैं आप सभी को बता रहा हूँ। हाँ तो दोस्तों, खेसारी लाल यादव जी का ये मामला जैसे ही खत्म होता है, धकाधक गाना आप सभी के बीच आना शुरू हो जाएगा, लेकिन हाल फिलहाल में आप सभी के बीच आएगा 1-2-3 गाना ऐसे करके। और दोस्तों, भोजपुरी की दबंग स्टार खेसारी लाल यादव जी का वीडियो पसंद है तो ये लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।